प्रॉपर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, वैसे मैं बता देता हूँ आपको। ये शीट एनसीईआरटी की शीट है, इसके अंदर एक व्हीकल 30 क्विंटल का और एक 90 क्विंटल का गिवन है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों कैसे मूव कर रहे हैं विद अ स्पीड गिवन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मासेज आपको गिवन है, आपको बताना है कि फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी इलास्टिक कोलिजन में। तो आप V1 V2 के फॉर्मूलाज लगा लेना, बस एक पॉइंट का खास ख्याल रखना, जब वैल्यूज पुट करोगे M1 M2 U1 पॉजिटिव होगा, U2 नेगेटिव होगा। और जब आप वैल्यूज पुट कर रहे होंगे M1 की जगह 30, M2 की जगह 90, कई बार लोग क्या करते हैं, बड़े में से छोटा मास माइनस कर देते हैं। वो ये सोचते हैं 30 में से 90 कैसे माइनस हो सकता है, मत करना। M1 छोटा है तो छोटा रहने देना, M2 बड़ा है तो बड़ा ही रहने देना। तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी चेंज मत करना अपनी तरफ से। M1, M2, U1 पॉजिटिव, U2 नेगेटिव, क्योंकि ये बॉल कैसे आ रही है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये आंसर आएगा, आ गया था आंसर ये। उसी तरीके से ये क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में किया हुआ था, सेम क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम हमने किया हुआ है मेरे असाइनमेंट में, जब हमने आज थ्योरी की थी उसमें डिस्कस्ड है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इसमें दो मासेज हैं, दोनों के मासेज गिवन है, दोनों की स्पीड्स गिवन है, और ये एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये दोनों आपस में स्टिक करेंगे। कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, इंपॉर्टेंट एक है, क्योंकि ये हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन के अंदर क्या होता है कि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इन दोनों का मोमेंटम विद कॉमन वेलोसिटी। बस फर्क ये है कि एक मोमेंटम पॉजिटिव, एक मोमेंटम नेगेटिव, क्योंकि एक राइट जा रहा है और एक लेफ्ट जा रहा है। तो एक मोमेंटम पॉजिटिव, एक मोमेंटम नेगेटिव इज इक्वल टू टोटल मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आएगी आंसर। ठीक है यहाँ तक? तो हो गया था ये क्वेश्चन। तो इसमें ये भी बताना है व्हाट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गई थी। ये लॉस में कैसे किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी में क्या है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इनिशियल एनर्जी, और फाइनल एनर्जी क्या है, हाफ टोटल मास इंटू वी सी स्क्वायर। ऐसे तो हाफ M1 V1 स्क्वायर ये इनिशियल एनर्जी है और ये फाइनल एनर्जी है, और दोनों को माइनस करके लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकलेंगे इसमें। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज की प्रॉब्लम्स हैं। परसेंटेज की प्रॉब्लम हमने बहुत अच्छे से की हुई हैं कि अगर एक बॉल आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ यू और दूसरा मास 4 times पहला मास है, तो इसका मास 4 times है और ये रेस्ट है, तो इसने कितना फ्रैक्शन इसे ट्रांसफ़र किया, कितना फ्रैक्शन ट्रांसफ़र किया। ये एक्चुअल मेथड भी किया हुआ है मैंने, पर मेरे को लगता है ये ज़्यादा बेटर है। 4k/1+k का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और k की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करनी है, क्योंकि जो सेकेंड मास है वो 4 times फर्स्ट मास है। तो यहाँ पर k की वैल्यू को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4। यहाँ से जो भी आंसर आएगा, फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है अ न्यूट्रॉन जिसकी वेलोसिटी आपको पता है, और ये एक न्यूक्लियस को हिट कर रहा है जिसका मास नंबर 80 है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, न्यूट्रॉन का मास अगर m है तो उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, जिनका एवरेज मास एक न्यूक्लियॉन का भी m है। तो अगर ये m है, ये 80 टाइम्स m है, तो आपको ये बताना है कि इसको टक्कर मारने के बाद कितना फ्रैक्शन रिटेन हो गया, कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया। अगर ये निकालना है तो ये फॉर्मूला ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का, k की जगह यहाँ पर 80 है, तो k की जगह 80 पुट करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड है। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड में क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा। तो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन। इतना ही आंसर आया था आप लोगों का, ऐसे कुछ आ रहा है? तो मेथड समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और रिटेन में क्या अंतर है। ठीक, उसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है सेम है, 3 parts हैं रादर। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और एक और पार्टिकल है जो रेस्ट पे पड़ा हुआ है और जिसका मास वो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में 19 times m है। कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी या परसेंटेज ऑफ एनर्जी इसने इसको ट्रांसफ़र किया। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड का फॉर्मूला हमें पता है, k की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 19,
19 पुट करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर आंसर आ गया। दूसरे केस में जो मास है वो कितने टाइम गिवन है, इक्वल मास है। इक्वल मास का मतलब के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1, के टाइम एम में के 1 हो जाएगा, इसमें 1 पुट कर देंगे तो 100% एनर्जी ट्रांसफर आंसर आ रहा होगा। और तीसरे पार्ट में जो मास है वो 1/19 टाइम है, तो के की वैल्यू कितनी होगी, 1/19 हो गई। आप यहाँ पे के की जगह क्या पुट करेंगे, 1/19, परसेंटेज ऑफ एनर्जी आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल लगेगा और क्या परसेंटेज का फॉर्मूला है इसमें। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो आपको एक्चुअल करना ही पड़ेगा, इसके अंदर शॉर्टकट मत लगाना है इसमें। शो दैट, क्योंकि वो कह रहा है शो करना है, शो दैट अगर एक मास एम है और वो दूसरे मास को हिट कर रहा है, और कितना मास, जो दूसरा मास है पहले मास से m टाइम ज़्यादा है या 1/m टाइम ज़्यादा है। अब ये बड़ी कन्फ्यूजन है, इसका मास m है तो इसका मास m इंटू एम हो गया, या इसका मास m है तो इसका मास 1/m इंटू एम हो गया, तो ये ना आपके क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर k लिख लिया, मैंने यहाँ पर k लिख लिया कि दूसरा मास जो है वो m टाइम नहीं है, वो k टाइम्स है। और मैंने ये शो कर दिया कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 v2 है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड निकाल लो। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड में मैंने क्या किया कि जब टक्कर हुई इसके पास तो कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन इसके पास नई एनर्जी कितनी है, 1/2 km into v2² इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। और फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल एनर्जी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। टोटल एनर्जी में सम ऑफ दिस एंड दिस एनर्जी, इसकी एनर्जी तो जीरो है और इसकी एनर्जी कितनी है, 1/2 m u² पुट कर दिया, तो यहाँ से ये टर्म आ गई। V2 का फॉर्मूला लगाया, U2 रेस्ट पे है, और यहाँ M1 की जगह M पुट किया, M2 की जगह K टाइम्स M पुट किया, सॉल्व करके V2 आया, इस V2 को यहाँ पुट किया, और यहाँ V2 को पुट करके आंसर पहले प्रूव किया, 4k/1+k² मैंने बुकलेट के अंदर किया भी हुआ सेम क्वेश्चन, हमने क्लास में भी किया था। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पहले ट्रांसफ़र को मैंने प्रूव किया, इसके इक्वल डायरेक्ट मत करना क्योंकि वो शो कहने को कह रहा है, तो पहले यहाँ तक करना, फिर कहना कि मान लो हमारा जो मास है वो कितने टाइम्स है, m टाइम्स है, तो तुम अपने इस क्वेश्चन में k की जगह क्या पुट कर दें, m, प्रूव हो गया। और दूसरे पार्ट में 1/m टाइम मास है तो k की जगह क्या पुट करेंगे, 1/m, 1/m पुट करके k की जगह सेम आंसर आएगा, ऐसे प्रूव करना तो बेटर है। नहीं तो वैसे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, आप m टाइम्स ले लो, कैसे भी लो, बट मुझे लगता है कि अगर प्रूव करने की बात आ रही है तो पहले k वाला प्रूव कर दें, फिर k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, हो जाएगा प्रूफ। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है तो इसको दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत किए हमने, 3 मीटर से बॉडी को गिर रहे हैं, रेस्टिट्यूशन e है, तो अगली हाइट क्या होगी, e² × 3, या था ना शॉर्टकट, अगर रेस्टिट्यूशन गिवन है तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, e² × h। उसी तरीके से बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, तो अगली हाइट क्या होगी, e² h होगी, सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से बस ये ख़त्म होगी। तो ये शीट यहीं तक है।